नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट कराते रहता हूँ, उसी के तारतम्य में आज हम देखेंगे 20 मई 2024 कल के दिन एक महत्वपूर्ण आदेश निकला है, जो आदेश है ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण के सत्यापन के संबंध में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों। इससे फ़ायदा हमें यह भी होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में एक ही सभी सचिवों को एक सैलरी मिलेगी, बिल्कुल एक जैसी सैलरी मिलेगी। उसमें हमें सभी पता भी हो जाएगा कि हमारे NPS में कटौती कितनी हो रही है ना, और बेसिक पे कितना है, DA कितना मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें भी, एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी हमें पता हो जाएंगी। पूरा वेतन पत्रक सही बन जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। तो चलिए वो हम आदेश देखते हैं, क्या क्या आदेश है, तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम सीधे महत्वपूर्ण आदेश पर ही आते हैं। अति आवश्यक आदेश है, पंचायत राज संचालन मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक आप देख सकते हैं 5758, भोपाल, दिनांक 20/5/2024, कल 20 मई को ही आदेश निकाला गया है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है, ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण सत्यापन कराए जाने बाबत, जो जितने भी ग्राम पंचायत सचिव हैं उनके वेतन निर्धारण का सत्यापन कराए जाने बाबत है। ठीक है, इससे बहुत अच्छा ये रहेगा कि सभी जगह एक इक्वल जो है सैलरी मिलेगी पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसका वेतन निर्धारण का सत्यापन हो जाएगा, हमें पूरा वेतन पत्रक मिल जाएगा कि किस किस तरह से हमें वेतन प्राप्त हो रहा है और कितनी NPS में इनमें कटौती हो रही है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, DA का निर्धारण भी है ना, वेतन निर्धारण पूरा हमारा बेसिक पे से लेके सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी 7 वेतनमान अनुसार। संदर्भ, संयुक्त संचालक स्थानीय निधि सम परीक्षा भोपाल मध्य प्रदेश का पत्र प्रष्टांकन क्रमांक ये है, इसके दिनांक 9/5/2024 का। ठीक है, तो 9 मई को ही पूछा गया है संयुक्त संचालक महोदय द्वारा। तो पंचायत राज संचालनालय के आदेश क्रमांक 24138, दिनांक 13/9/2023, ठीक है, 13 सितंबर 2023 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के 7वां वेतनमान का आदेश समस्त जिला पंचायत को जारी किया गया है। ठीक है, ये 13 सितंबर 2023 से ग्राम पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान का आदेश समस्त जिला पंचायत जारी किया गया है। संयुक्त संचालक स्थानीय निधि समपरीक्षा भोपाल मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक ये है, दिनांक 9/5/2024 द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण सत्यापन कराए जाने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अतएव अपने जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के वेतन निर्धारण सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक स्थानीय निधि सम परीक्षा को प्रेषित करने का कष्ट करें, जो हमारा लोकल ऑडिट होता है उनके जो संयुक्त संचालक हैं स्थानीय निधि सम परीक्षा को प्रेषित करने का कष्ट करें। इससे बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी दोस्तों, सभी को पता भी रहेगा कि हमें किस किस तरह से वेतन प्राप्त हो रहा है, पूरा वेतन का निर्धारण हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। तो उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पूरा निर्धारण हुआ है। तो अभी जो आदेश निकला है मनोज पुष्प जी संचालक सहायुक्त महोदय पंचायत राज संचालन मध्य प्रदेश से निकला है, प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही अच्छा आदेश, जिसमें हमें जो है कि सभी ग्राम सचिवों का वेतन निर्धारण का पूरा सत्यापन हो जाएगा, इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसी सैलरी भी मिलेगी, और हमें पूरा पता भी रहेगा कि हमारी बेसिक पे कितनी है, DA कितना मिल रहा है, और बाकी चीज़ें भी, NPS में कटौती कितनी है ना, कई सारी चीज़ें हमें पता भी हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे ही होता है तो मैं आपको उस पर ही बताते रहूँगा। तो चलिए, हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।